हेलो 9th एंड 10th क्लास, थर्ड वीडियो में फिर से मिलते हैं हम केमिस्ट्री के बेसिक के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि पूरी केमिस्ट्री टिकी होती है एटम पर, तो आज हमें एटम की स्ट्रक्चर समझनी है, सिंपल सी स्ट्रक्चर समझनी है। थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाना, केवल देखना कि एटम में क्या क्या पार्टिकल होते हैं, एटम दिखता कैसे है। एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो चाहे किसी का भी एटम हो, चाहे जो बोर्ड है इसका एक एटम निकाल दिया जाए, या इस मार्कर से एक एटम ले लिया जाए, या हमारी बॉडी से कोई एक एटम ले लिया जाए, भाई जो भी मैटर है सब मैटर एटम से बने हैं ना। तो किसी भी मैटर से अगर हम कोई भी एटम उठाएंगे, हर एटम बना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रल कहते हैं। अगर हम मास की बात करें, इसमें से प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, इनको एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है 0.0005 एटॉमिक मास यूनिट। तो तीनों में डिफरेंस दे सकते हैं आप कि इनका जो मास है ना, जब इनके मास के साथ इसका कंपेरिजन किया जाएगा तो इस मास को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों पार्टिकल होते कहाँ कहाँ हैं? अगर हम एक एटम को मान लेते हैं बोल है, तो बोल के बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल में। यहाँ आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपकी एटम की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है। बीच में आपका न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। मान लीजिए प्रोटॉन है ब्लैक ब्लैक से, और ये वाले हैं न्यूट्रॉन। तो इस तरह से तो आपका न्यूक्लियस बना होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और चारों तरफ इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ये समझ लीजिए, अगर आपके पास एक फुटबॉल है और उसको आप एटम के साइज का बना रहे हैं, एटम के साइज का मान रहे हैं, तो जो एक आल्पिन होता है उस आल्पिन की कैप बहुत छोटी सी कैप होती है, उसको अगर सेंटर में ले जाए तो उतना ही केवल न्यूक्लियस होगा। यानी कि मीन्स एटम से न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। ये तो है आपके एटम की स्ट्रक्चर। ये हमेशा याद रखिएगा, एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि जितने भी उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर ले जाते हैं। इसलिए एटम क्या मिलेगा आपका? न्यूट्रल मिलेगा। अगर किसी एटम में 5 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। अगर 10 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 ही मिलेंगे। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, कमियाँ ज़्यादा हो सकता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? जब भी आप एटॉमिक नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर ये इसलिए कह रहा है कि उसमें इतने प्रोटॉन हैं या उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक एटम है सोडियम का, एक एलिमेंट होता है सोडियम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब सोडियम के एक एटम में 11 तो प्रोटॉन होते हैं और 11 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ जो लोहा है, आयरन जो है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसमें 20 उसका जो एटॉमिक नंबर है 26 है, तो इससे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब उसमें 26 प्रोटॉन है और 26 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ आपका एटॉमिक नंबर। जितने भी एटम होते हैं, कितने बताए थे मैंने? 118 एटम बताए थे आपको। ये जितने भी एटम हैं इनमें केवल डिफरेंस होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के, मतलब सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बाकी इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता। उस एटॉमिक नंबर में डिफरेंस की वजह से उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लोहा और सोना दोनों में कितना डिफरेंस है? लोहा एक सस्ती सी चीज़ है और सोना कितनी महंगी चीज़ है। और पता है केवल अंतर किस चीज़ का है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही केवल अंतर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक भी घटेगा बढ़ेगा तो एलिमेंट तुरंत बदल जाता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और आप इसमें ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन से बन जाएगी हीलियम। एक प्रोटॉन और ऐड कर दीजिए, हीलियम से बन जाएगी लिथियम।
इसी तरह एक प्रोटॉन आप ऐड करेंगे उससे बन जाएगी बैरियम। इसी तरह से एक एक प्रोटॉन ऐड करते जाइएगा और आपका अगले का आगे का एलिमेंट मिलता जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट आपके बन जाते हैं। अब ये जितने भी एटम होते हैं या जितने भी एलिमेंट होते हैं जो 118 हैं, इन 118 एलिमेंट में अगर हम पर्टिकुलरली के नेम लिखने लगे तो कितना बड़ा नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं सोडियम के लिए मुझको लिखना पड़ रहा है सोडियम, टाइम ले जा रहा है। इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या कहा कि आप इसको पूरे एटम का नेम मत लिखिए, बल्कि उसके लिए उन्होंने सिंबल बना दिए। जैसे सोडियम के लिए Na लिखा जाता है, इन सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो जितने 118 एलिमेंट हैं या 118 टाइप के एटम हैं, उन सबको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया गया, जनरली क्या करते हैं कि उसके जो नेम है उसका पहला आप लेटर ले लीजिए। जैसे कार्बन है तो पहला हमने लेटर ले लिया सी, तो सी का मतलब जब भी सी लिखा होगा हम समझ जाएंगे कार्बन लिखा हुआ, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे एक आ जाता है कैल्शियम। अगर हमें कैल्शियम लिखना होगा और इसके लिए भी हम सी लिखने लगे तो फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। तब बताया गया कि फिर एक काम कर लीजिए, पहला लेटर ले लीजिए और सेकेंड वाला लेटर ले लीजिए। तो कैल्शियम को हमने कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया सीए से, यानी कि सीए का मतलब होता है कैल्शियम। ऐसे जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए हमने ले दिया सीओ। ऐसे एक होता है कॉपर, अगर कॉपर के लिए भी सीओ लेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या करेंगे, ऐसे के लिए हम लैटिन नेम ले लेते हैं इसका, वो होता है क्यूप्रल। तो इसके लिए सिंबल हो जाता है Cu। तो कुल मिलाकर के क्या किया गया है सिंबल बनाने के लिए, कुछ का तो जो पहला लेटर है उसको ले लिया गया है, या पहला और सेकंड वाला लेटर ले लिया गया है, या फिर कुछ के लैटिन नेम से लेटर लिए गए हैं। जैसे क्यूप्रम से Cu लिया गया कॉपर के लिए, ऐसे सोडियम नेट्रियम होता है उससे Na लिया गया है। कुछ में क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं और एक कोई खास बाद वाला लेटर ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए फर्स्ट वर्ड ले लिया सी और बाद में क्लोरीन एल पर ज़्यादा जोर लग रहा है तो एल ले दिया सी एल। तो इस तरह से 118 एलिमेंट यानी कि 118 टाइप के एटम को अलग अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको करना क्या होगा, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो आपको याद रखने हैं, उनके सिंबल याद करने हैं और उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, उस लिस्ट से आप नोट कर लीजिएगा इनके सिंबल क्या हैं, इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं। इन सिंबल को मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज पर नोट करके इसको मैं एक पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूँगा आपको, तो आप वो पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।